बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान का चार्म दुनिया भर में देखने को मिलता है। उन्होंने अपने करियर में कई सारी सुपर हिट्स दी है। जितनी हिट्स उन्होंने अपने पिछले एक दशक में दी है उतनी शायद की किसी और एक्टर ने दी है। लेकिन पिछले कुछ समय से उनकी फिल्में कोई खास कमाल नहीं दिखा पा रही है या वैसा कलेक्शन नहीं कर पा रही है जैसा सलमान की फिल्में अक्सर किया करती आई है। ऐसे में बॉलीवुड सुपरस्टार ने अब साउथ के तरफ अपना रुख कर लिया है। इसे लेकर पहले ही से खबरें आ रही थी। हालांकि इस बार एटली की जोड़ी शाहरुख खान के साथ नहीं बल्कि सलमान खान के साथ दिखाई दे सकती है। सलमान खान और एटली के इस प्रोजेक्ट को सन फ्यूचर्स प्रोड्यूस करेगा। दोनों स्टार को इस फिल्म के लिए मोटी रकम भी मिलेगी। अभी एटली इस फिल्म की स्क्रिप्ट लॉक करने में बिजी है। इस साल इस मूवी की शूटिंग नहीं होगी। साल 2025 में सलमान खान इस पर काम शुरू कर देंगे। अभी सलमान खान पहले से ही आर मुर्गदास की फिल्म सिकंदर की शूटिंग में बिजी है। ये मूवी ईद 2025 को रिलीज होगी। इस फिल्म की शूटिंग खत्म करने के बाद सलमान खान और एटली इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करेंगे। इटली साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के साथ ये फिल्म करना चाहते थे लेकिन अल्लू अर्जुन के पास पहले से ही कई कमिटमेंट्स थे और इसलिए उन्होंने कोई सटीक जवाब इस पर नहीं दिया। ऐसे में इटली ने नई स्क्रिप्ट तैयार की है और अब उन्होंने बॉलीवुड के सबसे दबंग स्टार संग हाथ मिला लिया है। अब ऐसे में धमाल तो मचेगा ही। साल 2023 में शाहरुख खान और इटली की फिल्म जवान ने आई थी। फिल्म ने ताबड़तोड़ कमाई की और हिंदी भाषा की अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी बन चुकी है। फिल्म ने दुनिया भर में करीब 1150 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था।